हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आप एमएससी फाइनल ईयर में यूनिट नंबर सेकंड एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस इन कंटिन्यूम पढ़ रहे थे और उसमें हम एग्जांपल्स और प्रॉपर्टीज कुछ कर चुके थे और थ्योरम्स हमने लास्ट की थी कि प्रिंसिपल स्ट्रेस आर ऑल रियल। तो आज हम उसी पर प्रिंसिपल स्ट्रेस किस तरीके से गिवन होता है उस पर बेस्ड एक एग्जांपल देखेंगे। तो आपके लिए एग्जांपल नया है और मैं आपके एक चीज़ और कहना चाहूँगी आपसे अभी से कि अगर आप प्रॉपर नोट्स बना रहे तो प्लीज़ उनको स्टडी प्रॉपर वे में करिए और स्टडी करना, अपने फोकस रखिए कि आपको क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है, और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी धीरे धीरे स्टार्ट कर लीजिए। और इसी के साथ में अगर आप अदर कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी बेस्ट है आप, लेकिन स्टडी कीजिए, इस टाइम का यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि ये टाइम आपको जितना लग रहा है कि लॉकडाउन चल रहा है, कॉलेज नहीं खुली हैं या आपको क्लासेज उपलब्ध नहीं हो रही हैं, तो आप कोई इसमें कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन आपके पास टाइम तो है। आपको मैं रेगुलर क्लासेस दे रही हूँ और इसके साथ में आपको जो टाइम मिला है उसमें जो अदर चीज़ें आप पढ़ सकते हो, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है या नेट JRF, आप जिस चीज़ की प्रिपरेशन करना चाहो वो प्रिपरेशन कर सकते हो, बट इस टाइम का यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि ये टाइम आपको कह सकते हैं अच्छा काल नहीं है, यानी कि कोरोना है लेकिन ख़राब टाइम है, पर हमारे पास टाइम तो है, पढ़ तो हम सकते हैं, तो आप प्लीज़ पढ़िए, पढ़ने पर स्टडी पर जोर दीजिए, क्योंकि स्टडी के बिना कुछ भी नहीं है लाइफ में, आप कुछ नहीं कर सकते। और ये बोल सकते हैं कि अगर आप एज ए टीचर आगे परफॉर्म करते हो या कोई टीचर प्लेटफॉर्म पे ऐसे जाते हो, आप मतलब कि शिक्षक बनते हो, तो सबसे ज़्यादा अपने समाज में शिक्षक का सम्मान होता है, सबसे ज़्यादा सम्मानित माना जाता है शिक्षक। तो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप आराम से स्टडी कीजिए, क्योंकि हर एक क्लास की, हर एक सब्जेक्ट की अपना एक मतलब वजूद होता है कि अपनी जगह ये चीज़ भी काम आती है। आपने BSc की स्टडी, ग्रेजुएशन की स्टडी की है तो वो पर्टिकुलर वे में आपको काम आएगी आएगी, ऐसा कभी कुछ नहीं होता कि हमने जो पढ़ा है वो कभी काम ना आए, नहीं, कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में वो चीज़ें जो हमने पढ़ रखी हैं वो तो इम्पोर्टेंट हैं ही, क्यों, वो काम आती हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ पढ़ के छोड़ दिया और काम ही नहीं आया, या कोई डिग्री ले ली या कोई मार्कशीट ले ली और वो काम ही नहीं आई, नहीं, कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। जो आपने पढ़ा है, जो आपने स्टडी की है, वो आपकी लाइफ को बेहतर बनाता है और आपकी लाइफ में मतलब और ज़्यादा सुख, बोल सकते हैं कि आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये बोल सकते हैं कि उस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हो कि डिग्री आ गई आपके पास में तो अब और ब्रांचेस खुल जाती कि ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, हम ये इस जगह जा सकते हैं। तो ब्रांचेस खुलना स्टडी के ऊपर निर्भर करता है कि आपने किस हिसाब से स्टडी की हुई है। तो मैं कहूँगी कि आप आराम से पढ़िए और पढ़ते रहिए, रिविज़न करिए, लास्ट वीडियोस को देखिए, अदर चीज़ें करिए, अदर एक्टिविटीज़ करिए, बट खाली मत बैठिए कि टाइम पास कर रहे हैं, बोले कॉलेज बंद है, स्कूल बंद है, या ये कहें कि पूरा लॉकडाउन की तरह ही आप रह रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आप आराम से उस वे को, उस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। चलिए आप स्टार्ट करते हैं, हम एक एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं। हम डिटरमाइन प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल डायरेक्शन फॉर स्ट्रेस टेंसर। एंड प्रिंसिपल डायरेक्शन फॉर स्ट्रेस टेंसर σij इज गिवन बाय σij 311 102 120।
क्या बोला, डिटरमाइन प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल डायरेक्शन. प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल डायरेक्शन को डिटरमाइन करना है. एंड फॉर स्ट्रेस टेंसर सिग्मा आई जे इज गिवन बाय दिस. सिग्मा आई जे की वैल्यू 311, 102 और 120. तो देखिए सॉल्यूशन, प्रिंसिपल स्ट्रेस इज गिवन बाय स्ट्रेस इज गिवन बाय, किससे गिवन होता है, सिग्मा आई जे माइनस सिग्मा डेल आई जे. सिग्मा आई जे माइनस सिग्मा डेल आई जे इक्वल जीरो है. अब देखिए सिग्मा वन वन इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा सिग्मा वन वन माइनस सिग्मा सिग्मा वन टू सिग्मा वन थ्री सिग्मा टू वन सिग्मा टू टू सिग्मा टू थ्री सिग्मा 31, सिग्मा 32, सिग्मा 33 इक्वल जीरो. सिग्मा 11, 3 यानी 3 माइनस सिग्मा 1, 1, 1, 0 माइनस सिग्मा 1, 2, 2 माइनस सिग्मा है ना, सिग्मा 33 यहाँ और लिखो सिग्मा 33 माइनस सिग्मा. क्यों? क्योंकि डेल आई जे यानी डेल 33 1 हो जाएगा 1 और ये क्या आएगा सिग्मा 22 की वैल्यू 0 माइनस सिग्मा 2, 1, 2 और 0 माइनस सिग्मा माइनस सिग्मा. अब आप इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 3 माइनस सिग्मा ये माइनस माइनस प्लस सिग्मा स्क्वायर माइनस 4 प्लस माइनस 1 ये हट जाएगा तो ये आएगा माइनस सिग्मा माइनस 2 प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये आएगा 2 और प्लस में सिग्मा. अब नाउ नेक्स्ट क्या है, 3 माइनस सिग्मा सिग्मा माइनस 2 सिग्मा प्लस 2 माइनस माइनस प्लस सिग्मा प्लस 2 प्लस सिग्मा प्लस 2 सिग्मा प्लस 2 3 माइनस सिग्मा सिग्मा माइनस 2 और प्लस में 2 यहां से क्या आएगा सिग्मा इक्वल माइनस 2. दूसरा आएगा 3 माइनस सिग्मा सिग्मा माइनस 2 प्लस 2 इक्वल 0. तो देखिए सुनिए, प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल डायरेक्शन निकालना, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस हम पहले निकालेंगे. प्रिंसिपल स्ट्रेस इज गिवन बाय सिग्मा आई जे माइनस सिग्मा डेल आई जे. सिग्मा आई जे माइनस सिग्मा डेल आई जे और किस में, डिटर्मिनेंट में, ध्यान रखिएगा ब्रैकेट नहीं लगाना डायरेक्ट, इक्वल जीरो. तो इसको खोलोगे तो डिटर्मिनेंट आप खोलना आता है सिग्मा वन वन माइनस सिग्मा डेल वन वन. डेल वन वन की वैल्यू 1 हो जाएगी तो यानी कि माइनस सिग्मा रह गया डेल वन टू या सॉरी सिग्मा वन टू. यहाँ डेल वन टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. फिर सिग्मा 13 माइनस सिग्मा डेल 13 की वैल्यू 0. सिग्मा 21 माइनस सिग्मा डेल 21 की वैल्यू 0. सिग्मा 22 माइनस सिग्मा डेल 22 यानी 0. सिग्मा 23 माइनस सिग्मा डेल 23. सिग्मा 31 माइनस सिग्मा डेल 31 और सिग्मा 32 और फिर सिग्मा 33 माइनस सिग्मा इक्वल 0. अब देखिए यहाँ पर सिग्मा 11 की वैल्यू 3, 3 माइनस सिग्मा, सिग्मा 12 की वैल्यू 1, 1 और सिग्मा 21 की वैल्यू 1, सिग्मा 22 की वैल्यू 0 माइनस सिग्मा 2, 1, 2 माइनस सिग्मा. अब डिटर्मिनेंट में ये इक्वल 0 है, इसको खोलेंगे एक्सपेंशन आपको आता है तो सिग्मा की वैल्यू 1 तो आ गई माइनस 2. अब अदर वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे. अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें. अब देखिए
थ्री सिग्मा माइनस थ्री टू द सिक्स माइनस सिग्मा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टू सिग्मा प्लस टू इक्वल जीरो माइनस सिग्मा स्क्वायर प्लस फाइव सिग्मा और माइनस के फोर ये क्या आएगा सिग्मा स्क्वायर माइनस फाइव सिग्मा माइनस 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 प्लस फोर इक्वल जीरो यहाँ से क्या आएगा सिग्मा स्क्वायर माइनस फोर सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस फोर इक्वल जीरो सिग्मा कॉमन लिया सिग्मा माइनस फोर माइनस वन सिग्मा माइनस फोर सिग्मा माइनस वन सिग्मा माइनस फोर इक्वल जीरो दैट इम्प्लाइज सिग्मा इक्वल एक तो आ गया वन है ना और सिग्मा इक्वल आ गया एक फोर तो इसको हम देख लेते हैं सिग्मा वन ठीक है सही है सारी वैल्यू सही है सिग्मा की वैल्यू फोर अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं लिख देती हूँ एक को सिग्मा वन मान लो फिर सिग्मा टू सिग्मा थ्री मानना पड़ेगा क्यों क्योंकि हमें प्रिंसिपल डायरेक्शन और निकालनी है तो प्रिंसिपल स्ट्रेस आ गया एक तो माइनस टू आया एक वन आया एक फोर आया तो यानी कि हम यहाँ लिख लेंगे तो देखिए सिग्मा वन की वैल्यू मान लेंगे माइनस वाली मान लो पहले माइनस टू सिग्मा टू की वैल्यू फिर इससे बड़ी ऐसे मान लेते हैं हम लेकिन आप कोई सी भी मान सकते हो कोई सी भी पहले मान सकते हो कोई सी भी बाद में मान सकते हो सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री मानेंगे फोर और प्रिंसिपल स्ट्रेस है तो यानी कि सिग्मा वन ही निकला है सिग्मा टू ही निकला है सिग्मा थ्री ही निकालना है यानी सिग्मा वन वन या सिग्मा टू वन या सिग्मा टू थ्री आप ऐसा कुछ मत सोचना प्रिंसिपल स्ट्रेस है तो सिग्मा वन सिग्मा टू और क्या आएगा सिग्मा थ्री आएगा अब हम आगे बढ़ेंगे अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो हम प्रिंसिपल डायरेक्शन निकालेंगे अब आप यहाँ तक का स्क्रीन शॉट लें अब देखिए हम क्या निकालेंगे हमें बोला है कि प्रिंसिपल डायरेक्शन निकालिए तो प्रिंसिपल डायरेक्शन के लिए एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा दो फॉर्मूले एक तो यही है जो अभी आपने पढ़ा है बस उसमें थोड़ा चेंजमेंट है प्रिंसिपल स्ट्रेस प्रिंसिपल डायरेक्शन ये आपको पीछे मतलब कि कॉन्सेप्ट बताया हुआ है आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं प्रिंसिपल डायरेक्शन इज गिवन बाय इज गिवन बाय सिग्मा आईजे माइनस सिग्मा डेल आईजे सिग्मा आईजे माइनस सिग्मा डेल आईजे एन जे इक्वल जीरो एन आई इक्वल वन एन आई इक्वल वन यानी प्रिंसिपल डायरेक्शन इज गिवन बाय सिग्मा आई जे माइनस सिग्मा डेल आई जे एन जे इक्वल जीरो और एन आई वैल्यू वन है अब देखिए यहाँ पर क्या निकालेंगे सिग्मा वन वन माइनस सिग्मा डेल वन वन और एन जे इनमें वैल्यू निकालेंगे कॉरस्पॉन्ड में निकालेंगे कि किसके कॉरस्पॉन्ड पहले सिग्मा वन अब डायरेक्शन है ना तो देखिए इस डायरेक्शन होगी प्रिंसिपल डायरेक्शन यानी कि एन वन डायरेक्शन आएगी एन आई वन फिर एन आई टू डायरेक्शन आएगी फिर एन आई थ्री डायरेक्शन आएगी तीन डायरेक्शन आएंगी अब तीनों डायरेक्शन पहले सिग्मा वन के लिए निकालेंगे हम क्यों क्योंकि प्रिंसिपल स्ट्रेस ये मानेंगे तब डायरेक्शन निकालेंगे इसके लिए फिर सिग्मा टू के लिए निकालेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस ये मानेंगे फिर निकालेंगे फिर सिग्मा थ्री के लिए निकालेंगे क्यों क्योंकि तीनों के लिए अलग अलग ही निकलती हैं अलग अलग डायरेक्शन आती हैं अलग अलग रेशियो आते हैं तो इसीलिए हम तीनों का अलग अलग निकालेंगे अब देखिए प्रिंसिपल डायरेक्शन प्रिंसिपल डायरेक्शन अब नाउ कोरेस्पोंड टू और ni वन का मतलब होता है ni वन का स्क्वायर मैं इसको जब लास्ट में खोलूंगी तो आपको बताऊंगी क्या आता है कॉरेस्पॉन्ड टू क्या सिग्मा वन इक्वल माइनस टू अब सिग्मा वन इक्वल माइनस टू है तो i की वैल्यू फिक्स कर लो i बराबर वन ले लो फिर टू ले लो फिर थ्री ले लो है ना अब देखिए i बराबर नाउ
आई इक्वल वन। अब प्रिंसिपल डायरेक्शन निकाले तो इसी फॉर्मूले में पहले रखेंगे, वो फॉर्मूला लास्ट में एन आई वाला इक्वल में वन वो बाद में लेंगे हम। आई बराबर वन, जे बराबर वन टू थ्री, क्या आएगा सिग्मा, आई की वैल्यू वन, सिग्मा वन वन माइनस सिग्मा वन, यहाँ लिखोगे सिग्मा वन, डेल वन वन की वैल्यू वन, मैं डायरेक्ट हटा रही हूँ, और एन जे एन वन और विद वन, ठीक है, एन वन विद वन, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन जब सिग्मा वन यहाँ ले रहे हैं ना तो डायरेक्शन भी वन ही रखी जाएगी, टू नहीं रखी जाएगी, यहाँ ये चेंज होगा केवल ये इंडेक्स वन टू थ्री। अब देखिए फिर प्लस में, अब आई की वैल्यू तो वन है ही, सिग्मा वन, जे की वैल्यू टू रखोगे, टू माइनस सिग्मा वन, सिग्मा वन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा बताओ, सिग्मा वन नहीं आएगा रीजन, यहाँ वन टू की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो सिग्मा वन टू और एन जे एन टू वन प्लस सिग्मा वन थ्री एन थ्री वन इक्वल जीरो। अब इसे आगे सॉल्व आउट करोगे तो सिग्मा वन वन, सिग्मा वन वन की वैल्यू थ्री और माइनस सिग्मा वन, तो माइनस सिग्मा वन की वैल्यू माइनस टू रखोगे प्लस टू हो जाएगा, फाइव कर दूं मैं तो आएगी फाइव एन वन प्लस सिग्मा वन टू की वैल्यू वन, तो यानी एन टू वन और प्लस में सिग्मा वन थ्री एन थ्री वन इक्वल जीरो, इक्वेशन नंबर वन। अब इन इक्वेशंस को हम जो तीन इक्वेशंस तो इस तरीके से बनेंगे, क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू वन टू थ्री रखेंगे और फिर लास्ट वाली चौथी इक्वेशन बनेगी एन आई इक्वल वन से, तो इन वैल्यूज को हम सॉल्व आउट करते हैं, तो आप अगेन समझ लीजिए यहाँ तक, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रिंसिपल डायरेक्शन इज गिवन बाय सिग्मा आई जे माइनस सिग्मा डेल आई जे एन जे इक्वल जीरो, तो यहाँ नाउ कॉरेस्पॉन्ड टू सिग्मा वन की वैल्यू माइनस टू है, आई की वैल्यू जे वन रखी, जे की वैल्यू वन टू थ्री रखी, तो सिग्मा वन वन माइनस सिग्मा वन एन वन वन और सिग्मा वन टू एन टू वन सिग्मा वन थ्री एन थ्री वन इक्वल जीरो, तो यहाँ आएगा फाइव एन वन वन और प्लस में एन टू वन प्लस एन थ्री वन इक्वल जीरो। अब देखिए नाउ आई बराबर टू, जे बराबर वन टू थ्री, दैट इंप्लाइज सिग्मा टू वन और डेल वन टू वन की वैल्यू जीरो हो जाएगी और यहाँ आ जाएगा क्या एन जे की वैल्यू वन एन वन वन प्लस सिग्मा टू टू माइनस सिग्मा वन है ना और एन टू वन, फिर प्लस में सिग्मा टू थ्री और एन थ्री वन इक्वल जीरो, दैट इम्प्लाइज सिग्मा टू वन वन एन वन वन सिग्मा टू टू जीरो माइनस सिग्मा वन यानी प्लस के टू सिग्मा टू थ्री टू नाउ। अब ये दूसरी इक्वेशन हो गई, अब आई बराबर थ्री रखो एंड जे बराबर वन टू थ्री, तो क्या आएगा सिग्मा थ्री वन एन वन वन सिग्मा थ्री टू एन टू वन सिग्मा थ्री थ्री माइनस सिग्मा वन थ्री थ्री माइनस सिग्मा वन और एन थ्री वन इक्वल जीरो, सिग्मा थ्री वन की वैल्यू एन वन वन सिग्मा थ्री टू टू एन टू वन सिग्मा थ्री थ्री जीरो माइनस सिग्मा वन यानी प्लस के टू इक्वल जीरो, इसमें इक्वेशन नंबर थ्री आ जाएगा, यानी एन वन वन टू एन एन टू वन और प्लस में टू एन थ्री वन इक्वल कितना आएगा जीरो आएगा, इक्वल जब जीरो आ गया तो तीन इक्वेशंस आ गई आपके पास में। अब हम चौथी इक्वेशन सॉल्व आउट करेंगे एन आई इक्वल वन से, एन आई इक्वल वन से, तो देखिए एन आई इक्वल वन है, हम इसे सॉल्व आउट करेंगे। देखिए अब बात मैं जो समझाऊंगी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ होता है सिंस एन आई यानी एन आई कितनी बार है, दो बार है ना,
इक्वल वन होता है ना, तो इसको आई की वैल्यू आप किसके लिए रखोगे, वन टू और थ्री के लिए, तो एन वन वन स्क्वायर, ठीक है, क्यों, क्योंकि एन आई का स्क्वायर भी लिख सकते हो ना आप, प्लस एन टू वन का स्क्वायर, आई की वैल्यू टू रख दी और प्लस में ही आएगा एन थ्री वन का स्क्वायर, इक्वल वन दे रखा है, इनमें जीरो होता है और इसके इक्वल में वन, इक्वेशन नंबर फोर। अब इन इक्वेशंस को हम सॉल्व आउट करेंगे और सॉल्व आउट करके हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे किसकी, एन वन वन एन टू वन एन थ्री वन की। अब अगेन देखिए, अब इक्वेशन वन और टू से अगर मैं वन को मल्टीप्लाई करूँ, नाउ इक्वेशन वन मल्टीप्लाई टू और माइनस टू कर दो, दो का मल्टीप्लाई वन में करोगे तो फाइव टू जै टेन एन वन प्लस टू एन टू वन प्लस एन थ्री वन इक्वल जीरो। दूसरी इक्वेशन आएगी ये वाली ना, एन वन वन प्लस टू एन टू वन प्लस टू एन थ्री वन, यहाँ दो और लगाओ, इक्वल जीरो, माइनस 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 कैंसिल आउट हो गया, ये नाइन एन वन इक्वल जीरो, दैट इम्प्लाइज एन वन वन इक्वल जीरो, एन वन वन की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल जीरो आएगी। अब एन वन वन की वैल्यू इक्वल जीरो आई है तो आप बताओ यहाँ एन टू का स्क्वायर, चलो मैं एक बार इस इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं हम, है ना, टू और थ्री से, तो देखिए टू और थ्री से क्या आएगी, बाई टू एन थ्री, टू और थ्री से एन वन वन टू एन टू वन प्लस टू एन थ्री वन और एन वन वन प्लस टू एन टू वन टू एन थ्री वन इक्वल जीरो, माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो गया, ही नहीं हो रही, यानी कि सारे माइनस हो रहे, कट जा रही है सारी वैल्यू, तो इसको छोड़ दो, इसको सॉल्व आउट ही नहीं करते हैं फिर हम, मैंने ध्यान नहीं दिया लेकिन सॉल्व आउट नहीं हो रही थी। अब देखिए यहाँ इक्वेशन एक किसी एक में रख लो एन वन वन की वैल्यू, बाय इक्वेशन थ्री पुट इन इक्वेशन थ्री पुट एन वन वन इक्वल जीरो, एन वन वन इक्वल जीरो रखोगे तो यहाँ आएगी टू एन टू वन प्लस टू एन थ्री वन इक्वल जीरो, यानी एन टू वन इक्वल माइनस एन थ्री वन। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फोर, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फोर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, यहाँ तक हमने वैल्यू निकाल ली, आगे रखेंगे। अब देखिए दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फोर, इक्वेशन नंबर फोर एन वन वन का स्क्वायर ये जीरो हो गया, एन टू वन माइनस एन थ्री वन, एक चीज रख दो आप, एन टू वन की जगह अगर एन थ्री वन स्क्वायर रख दोगे तो एन थ्री का स्क्वायर वन आ जाएगा, प्लस में एन थ्री यानी कि टू टू लगा दूं मैं डायरेक्ट, इक्वल वन, तो एन थ्री स्क्वायर वन इक्वल में वन बाई टू, दैट इम्प्लाइज एन थ्री वन इक्वल प्लस माइनस वन बाई रूट टू, तो एन टू वन की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, तो एन टू वन इक्वल हो जाएगा माइनस प्लस, बस चेंजमेंट यही आएगा और सेम रहेगा, और
n11 के वैल्यू कितनी है, 0 है, तो यानी कि ni1 लिख देंगे. क्यों? क्योंकि i की वैल्यू 1, 2, 3 है. ni1 लिखेंगे, पहली इंडेक्स 0 है, दूसरा माइनस प्लस 1/√2 और तीसरा कितना है, प्लस माइनस 1/√2, ये लिखेंगे. इस तरीके से ये एक सॉल्यूशन हो गया. ये किसके कॉरेस्पॉन्ड में हुआ था, σ1 = -2 के सॉल्यूशन में हुआ था. यानी σ1 = -2 का सॉल्यूशन क्या आ गया, दिस आ गया. अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे n21 = 1 के लिए निकालेंगे. मैं n21 के लिए और निकाल के दिखा रही हूँ, n3 के लिए आप निकाल लेंगे खुद, आपको अपने आप करना है. n3 के लिए बता दिया, प्रैक्टिस एक बार आपको करनी पड़ेगी. Now, correspond to σ2 = 1. तो किसके किस तरीके से निकालते हैं, देखिए. प्रिंसिपल डायरेक्शन डायरेक्शन σij − σ∆ij nj = 0 और ni = 1. प्रिंसिपल डायरेक्शन तो क्या आएगा, अब देखिए i की वैल्यू i = 1, j = 1, 2, 3. अब बस चेंज यहाँ आएगा, σ2 हो जाएगा यहाँ, है ना, और n12 होगा. अब ये होगा चेंज, तो क्या आएगा, σ1 − σ2, ∆11 के वैल्यू 1, n12 प्लस σ21, किसकी वैल्यू चेंज करेंगे, i की वैल्यू 12, सॉरी σ12, है ना, और n j की वैल्यू 2, n22 प्लस σ13 n3 = 0. अब इसे सॉल्व आउट करोगे, σ11 = 3 और −1, यानी 3 − 1 कर दूं मैं, यानी n12 प्लस σ12 की वैल्यू 1 n21 n22 प्लस n32 = 0. इक्वेशन नंबर 1. नाउ i = 2 j = 1, 2, 3. तो क्या आएगा, प्रिंसिपल डायरेक्शन σi की वैल्यू 2, σ21 − σ2 0 हो जाएगा, है ना. अब क्या आएगा, n j की वैल्यू कितनी 1, n12 प्लस σ22 − σ2 एन जे की वैल्यू 2, n22 फिर σ23 और nj n32 σ21 की वैल्यू 1 यानी n12 σ22 0 और माइनस आएगा n22 σ23 → n32
Now, I equal 3, J equal 1, 2, 3. Sigma 3, 1. अब माइनस के हो जाएंगे ना, तो माइनस के जीरो हो जाएंगे. एन जे, एन जे की वैल्यू एन वन थ्री, एन वन टू प्लस सिग्मा थ्री टू, एन टू टू प्लस सिग्मा थ्री थ्री माइनस सिग्मा टू और एन थ्री टू. सिग्मा थ्री वन एन वन टू, सिग्मा थ्री थ्रू टू एन टू टू, सिग्मा थ्री थ्री जीरो माइनस सिग्मा टू, सिग्मा टू के वैल्यू वन यानी एन थ्री टू और वन टू थ्री इक्वेशन हो गई. अब क्या है, सिंस एन आई इक्वल कितना होता है, वन होता है, तो यहाँ आएगा एन वन टू का स्क्वायर प्लस एन टू 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 का स्क्वायर प्लस एन थ्री टू का स्क्वायर इक्वल वन. इक्वेशन नंबर फोर. अब मैंने इक्वेशन वन टू थ्री फोर दोबारा डाल दी, लेकिन आप फाइव सिक्स सेवन एट डाल देना और उनको सॉल्व आउट कर लेना. मैंने डाल दिए तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि एक दो तीन चार हम पहले दे चुके हैं. ये इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे. अच्छा हाँ, सिग्मा वन वन माइनस सिग्मा टू, तो थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन टू आएगा. अब आप वन और टू को सॉल्व आउट करो. वन और टू को हम जब सॉल्व आउट करेंगे, तो वन और टू को सॉल्व आउट करेंगे, देखिए नाओ वन एंड टू से वन और टू को सॉल्व आउट करेंगे, तो देखिए एन टू कट जाएंगे, तो हमारे पास आएगा टू और वन थ्री, एन वन टू प्लस टू और वन थ्री, एन थ्री टू इक्वल जीरो. तो कितना आएगा, एन वन टू इक्वल माइनस एन थ्री टू, माइनस एन थ्री टू. अब माइनस एन थ्री टू आएगा. अब देखिए एन थ्री टू आ गया. अब मैं ऐसा कर सकती हूँ, यहाँ पर ये कर सकते हैं क्या, हम इस इक्वेशन को लिख दें और इसको सॉल्व आउट कर लें. वन और टू को सॉल्व आउट किया, थ्री के साथ सॉल्व आउट कर लें. ठीक है, थ्री के साथ साथ सॉल्व आउट कर लेते हैं. तो यहाँ पर आएगा एन वन टू प्लस एन थ्री टू इक्वल जीरो, और थ्री क्या है, एन वन टू प्लस टू एन टू टू माइनस एन थ्री टू इक्वल जीरो. यहाँ से ये जोड़ देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. आप लिख देना यहाँ इक्वेशन नंबर हमने थ्री से सॉल्व आउट किया है, और यहाँ आएगा टू एन वन टू प्लस टू एन टू टू इक्वल जीरो. तो यहाँ आएगा एन वन टू इक्वल माइनस एन टू टू. वोट एन वन टू, एन वन टू इक्वल कितना आ गया, देखिए पुट इन फोर, फोर नंबर इक्वेशन में हम पुट कर दें, तो एन वन टू का स्क्वायर तो ये पड़ा रहने दो, प्लस एन टू की जगह हम क्या रख सकते हैं, माइनस के, तो एन वन स्क्वायर माइनस के हो जाएंगे. फिर एन थ्री की जगह भी हम एन वन रख देंगे, यानी कि थ्री एन वन टू का स्क्वायर इक्वल वन. दैट इम्प्लाइज एन वन स्क्वायर टू इक्वल वन बाई थ्री. दैट इम्प्लाइज एन वन टू इक्वल प्लस माइनस वन अपॉन में रूट थ्री, प्लस माइनस वन अपॉन में रूट थ्री एन वन टू की वैल्यू आई. अब एन टू वन के टू की वैल्यू क्या आएगी, यानी कि एन आई टू प्लस माइनस वन अपॉन में रूट थ्री, और ये आएगा माइनस प्लस वन अपॉन में रूट थ्री, और थर्ड कंडीशन आएगी माइनस प्लस. माइनस प्लस का आप ध्यान रख लेना, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई सा भी लगा सकते हो पहले, बस फैक्टर सेम आए, सही आए. तो यानी कि आ गया एन आई टू की वैल्यू आ गई प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री, प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री और प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री. ये आपका आ गया कॉरस्पॉन्ड टू सिग्मा टू इक्वल
किसके कॉरेस्पॉन्ड में आया, वन के। अब आपको निकालना है, फाइंड आउट कर लेना अब आप क्या सिग्मा थ्री इक्वल फोर का, ये आपको फाइंड आउट करना है। और प्लीज़ करके देखिए आप इसको, और इजी है और मज़ा आएगा क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आ रहे हैं अब आप धीरे धीरे, और जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको कई क्वेश्चंस इस टाइप के मिलेंगे। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल डायरेक्शन तो पेपर में पूछा ही जाता है, तो आप इसको लाइटली मत लेना, आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो ये था आज का हमारा एक क्वेश्चन प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल डायरेक्शन पर बेस्ड। अब नेक्स्ट वीडियो में मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस है, उन पर बेस्ड एग्जांपल्स हैं, कई तरीके के एग्जांपल्स स्टार्ट हो गए, वो एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।